हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और गाइज आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो हमने अरिहंत की सीरीज स्टार्ट की है, अरिहंत की सीरीज जो चल रही है, उसमें ओनली मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसका पहला फेज माना जाता है, मॉडरेट फेज कहते हैं इसको, गांधीयन एरा से जस्ट पहले तक, 1885 से लेकर 1915 तक का ये पीरियड था। ठीक है, ये पीरियड फर्स्ट फेज कहा जाता है, बिकॉज दूसरे फेज को हम गांधीयन फेज कहते हैं, इसमें एक्सट्रीमिज्म आ गया था, बट ठीक है, फर्स्ट फेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दूँ कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड जो भी हम हेल्प कर सकते हैं गाइज, आपकी हमारी टीम है एक छोटी सी, वो हेल्प कर रही है। आपको जो बुक चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बुक आपको चाहिए, वो हम लोग कवर करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो एक एल्बर्ट बिल आया था, एल्बर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में रहा था। इसमें प्रावधान ये था कि कोई भी इंडियन जज होगा वो ब्रिटिशर्स को ट्राई कर सकता है, वाइट मैन को ट्राई कर सकता है। और ये जब बिल आया तो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया, ब्रिटेन में हंगामा मच गया कि भाई अब हमारे गुलाम हम पे डिसीजन देंगे, ऐसे करके आ गया था। सो एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हुज पीरियड ऑफ गवर्नर जनरलशिप, तो ये थे लॉर्ड रिपन के समय आया था। और लॉर्ड रिपन और एक और लॉर्ड के बारे में बता दूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दो ऐसे लॉर्ड थे जिनके समय में इंडिया ने मतलब खुल के ब्रीद किया। ये दोनों अच्छे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आता है, व्हेन डिड बंग भाषा प्रकाशन सभा फाउंड। तो बंग भाषा प्रकाशन सभा नेशनलिज्म के लिए था, बेसिकली अपने भाषा पे गर्व हो रहे थे, गर्वान्वित होने का ये मौका मिला था और सभा बनाकर ये ऐसा कर रहे थे। सो इन द ईयर 1836 इसे फाउंड किया गया था, बंग भाषा प्रकाशन सभा का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो आप कह सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन जो है प्रीडिसेसर था अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन एसोसिएशन के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बना और इंडियन एसोसिएशन के मैक्सिमम मेंबर उसके मेंबर थे। तो ये जो इसके फाउंडर थे, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इसके फाउंडर इंडियन एसोसिएशन के। हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसको फाउंड किया था दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन। ठीक है, हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इन 1875 हु फाउंडेड इंडियन लीग इन कोलकाता, तो 1875 में इंडियन लीग जो है कोलकाता में फाउंड किया था शिशिर कुमार घोष ने। व्हेन डिड मद्रास नेटिव एसोसिएशन फॉर्म, तो ये फॉर्म हुआ था 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये कुछ पहले के एसोसिएशन है कांग्रेस से पहले के, ठीक है, बाद में कांग्रेस तो आया ही 1885 में, तो ये कांग्रेस से पहले कुछ नेटिव एसोसिएशन बने, उनमें एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन था 1852 में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये वही है जिन्होंने इंडियन एक पार्टी फॉर्म की थी, इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन और इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम देख लेते हैं कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ। ठीक है, सो द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो अभी मैंने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन था ये, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल यूनियन, ये दोनों था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का हमने देखा था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके फाउंडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, तो ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, A.O. ह्यूम, इन्होंने बेसिकली इनिशिएट किया था और इनको फाउंडर माना जाता है, ही इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सिविल सर्वेंट, यानी कि A.O. ह्यूम जो थे ये एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, और बात एक ही है,
फाउंडर एओ ह्यूम थे और सिविल सर्वेंट थे। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है गाइस ये सेटअप हुआ था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है गाइस ये 1885 में सेटअप हुआ था। कुल इसमें शायद 80 के आसपास लोग थे जब सेटअप हुआ था, ठीक है, 1885 में एओ ह्यूम के इनिशिएटिव पे। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, अच्छा 72 थे, 80 नहीं थे। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टू पार्ट इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये 72 थे, ठीक है। और पहले जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट का भी पूछा जाता है बार बार, तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसमें 33 थे, ठीक है। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? यहाँ पर 33 आएगा, 33rd नहीं आएगा, ठीक है, टोटल 33 थे। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट, ये बॉम्बे में हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में ही। तो वो सवाल आएगा ही, देखिए आ गया, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आंसर होगा इसका डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था, बंगाल से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, अगेन सेम ही नाम है, बोमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो देखिए एक ट्रेंड रहता था कि एक तो प्रेसिडेंट होते थे और एक सेक्रेटरी रहते थे, जनरल सेक्रेटरी। तो 1885 का जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, वहाँ पे प्रेसिडेंट तो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जो सेक्रेटरी था जनरल सेक्रेटरी वो थे एओ ह्यूम। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय बना था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय, इसी के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। हु हैड रेडिकल्ड कांग्रेस एज द रिप्रेजेंटेटिंग ओनली द शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस बस मतलब कह सकते कि बहुत ही माइन्यूट जो है माइनॉरिटी को ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइन्यूट माइनॉरिटी है ये। नेक्स्ट है, हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो खुद सुरेंद्र नाथ बनर्जिया नहीं थे, क्योंकि इस समय ये बंगाल में बिजी थे, अपने मूवमेंट को चला रहे थे, ठीक है, तो ये वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। हालांकि इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट नहीं थे, बट ही वॉज फॉर द रीजन कि वो अपना मूवमेंट चला रहे थे, ही वॉज नॉट अवेलेबल वेन द कांग्रेस वॉज फाउंडेड और द फाउंडिंग सेशन बॉम्बे वाला। द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई दादा भाई नौरोजी, आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक बार तो फर्स्ट सेकेंड सेशन में किया था, फिर 1906 में भी किया था, तो इनका है अच्छा खासा रिकॉर्ड है। इन 1889 कमिटी वॉज सेटअप इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर कांग्रेस, हु वॉज इट्स प्रेसिडेंट? तो ये थे मिस्टर दिग्बी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, स्टार मार्क क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। हु वॉज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये भी देखिए बीपीएससी 2020 में पूछा गया। फर्स्ट तो सब याद रखते हैं, वो चांद पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। दूसरा कदम किसने रखा? तो भाई उसी ने रखा, पहला कदम रखेगा उसके बाद दूसरा पैर भी तो रखेगा। खैर ये हो गई मजाक की बात। नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूरोपियन टू बी डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, ये थे जॉर्ज यूले इज द राइट आंसर। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज जॉर्ज यूले। विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी वॉज नेवर कंसर्न विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये है सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद का खुद का अपना एक मूवमेंट चला था 1875 में, ठीक है, और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इन्होंने ही फाउंड किया था। विच इमिनेंट पर्सनैलिटी वॉज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। गांधी जी एक बार रह चुके हैं, गांधी जी मात्र एक ही बार, बेलगांव का सेशन हुआ था 1924 में, उसमें प्रेसिडेंट थे। अगला सवाल है, हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसमें लाला लाजपत राय बने थे, बाल गंगाधर तिलक कभी बने ही नहीं, और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं बने, तो करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को कहा जाता है, ठीक है, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय को लाल, बाल गंगाधर तिलक को बाल, और पाल, बिपिन चंद्र पाल को पाल बोला जाता है।
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखिए दो इसमें आंसर आता है, एक अगर पूछे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बसंत आएगा, अगर पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो वो आता है सरोजनी नायडू। यहाँ पे देखिए सवाल भी है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ये है सरोजनी नायडू। एंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये कैलकटा सेशन 1917 में एनी बसंत को बनाया गया था, एनी बसंत को बनाया गया था फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एट विच प्लेस वॉज द 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो ये बांकीपुर यानी कि बिहार में हुआ था, बांकीपुर बिहार में, बांकीपुर में हो चुका है, गया सेशन हुआ है 1923 में, तो ये 27वां सेशन था, बांकीपुर में हुआ था, और ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा था किस सेशन में, तो लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था। और बेसिकली लखनऊ सेशन में ना होम रूल वाले भर गए थे, होम रूल वाले बहुत लोग थे, बाल गंगाधर तिलक की भी होम रूल पार्टी थी, होम रूल लीग थी, और एनी बसंत की भी होम रूल लीग थी, तो वो लोग भर गए थे, उसके मेंबर पूरे भर गए थे, ट्रेन भर भर के वहाँ पहुँचे थे। सो हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वॉज नीदर इंस्पायर्ड बाई द पीपल नॉर डिजायर्ड नॉर प्लान्ड बाई देम, तो ये व्यू दिया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, कहते थे कि कांग्रेस हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती है, कांग्रेस हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती है, कांग्रेस को लाइक नहीं करते थे लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता थे। द कांग्रेस इज फाल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, ये डिक्लेरेशन किसने दिया था, ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने ये 1906 के आसपास में दिया था जब बंग भंग हो गया था, बंगाल विभाजन का हो गया था अनाउंसमेंट, और कांग्रेस उस समय के अगेंस्ट में इसने कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि एक कांग्रेस जो है ना बस टॉर्टर कर रही है, फॉल्टर कर रही है, अब गिरने वाली है, अब मेरा काम यही है कि इसको रेस्ट इन पीस करा दूँ पीसफुली। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was Subhash Chandra Bose. ठीक है, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was Subhash Chandra Bose. अगला सवाल है, who suggested the winding up of Indian National Congress after India attained independence? तो महात्मा गांधी ने बोला कि कांग्रेस को ना जब इंडिया को आज़ादी मिल जाए तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस चीज़ को ख़त्म कर देनी चाहिए, बट कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। हालांकि उसका काम इंडियन नेशनल मूवमेंट सफलता दिलाना था, जो कि किया भी उसने, बट उसके बाद क्या मतलब है राजनीति में बैठे रहने का, बट ये कहा था महात्मा गांधी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हु वेर इलेक्टेड टू द कोलैबोरेट टू कोलैबोरेट विथ महात्मा गांधी who was the author of new constitution of the Congress as per the resolution of Indian National Congress at Amritsar session 1919, तो ये हैं एन सी केलकर एंड एल बी सेन। ठीक है, ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कोलेबोरेट किया था, मतलब साथ मिल के आए थे महात्मा गांधी के साथ, एंड हु वॉज द ऑथर ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी ऑथर थे नए कॉन्स्टिट्यूशन की, किसके कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था जिसमें लोकल लेवल पे बॉडीज़ बनाई गई थी, है ना। तो ये दो बंदे थे एन सी केलकर और एल वी सेन। विच गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन 1915 सेशन ऑफ द कांग्रेस, तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलिंगटन। विच गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन 1915 सेशन ऑफ द कांग्रेस, ये थे लॉर्ड वेलिंगटन। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाई सी विजय राघव चरियर, तो ये था नागपुर सेशन ऑफ 1920, नागपुर सेशन ऑफ 1920। अब नागपुर सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में अप्रूवल मिला था जो अपना ये असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। सो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सी विजय राघव चरियार। नाउ वी विल सी इन द बॉक्स लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल आउटफिट्स बिफोर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लैंड ऑनर सोसाइटी सबसे पहली सोसाइटी मानी जाती है, मतलब सबसे पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फाउंड किया था द्वारकानाथ टैगोर ने, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर था इसका 1838 में बना था, कैलकटा में इसका हेडक्वार्टर है, कैलकटा में इसका हेडक्वार्टर था।
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये विलियम एडम ने इसको फाउंड किया था 1839 में ही कैलकटा में। फिर आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जॉर्ज थॉमसन ने इसको फाउंड किया था 1843 में कैलकटा में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दादा भाई देवेंद्रनाथ ठाकुर एंड राधा कांत देव 1851 में कैलकटा में ये बना था। इसके अलावा बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी 1852 में बॉम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये गक्सुलू लक्ष्मी मीनार मीनारसु चेट्टी ने बनाया था 1852 में मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में बनाया था, लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा, ये जी वी जोशी और एम जी रनाडे ने 1870 में बनाया था पुणे में, इसका हेडक्वार्टर था। इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने बनाया था 1872 में, इंडिया सोसाइटी लंदन में, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन प्रीकर्सर माना जाता है इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके फाउंडर थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दोनों का नाम आता है। बीपीएससी में भी पूछा गया था, दोनों का नाम आता है इसमें, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो 1876 में ये बना था, 67वीं पूछा गया था, कैलकटा में इसका हेडक्वार्टर था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ने बनाया था और इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1877, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। मद्रास महाजन सभा, इसमें जो लोग शामिल थे बनाने में वो थे पनप्पाकम एंड आनंदा चार्लू एंड पनप्पाकम आनंदा चार्लू एंड मुदुम्बाई वीरा राघवा चार्या। तो ये 1884 में बना था मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इससे जुड़े थे फिरोज शाह मेहता साहब एंड बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट ये बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, 1885 में ये बना था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे में। अगला सवाल कहता है कि इन विच ऑफ द सेशंस कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली क्या था, इंडियन स्टेट्स जो थे इनको इग्नोर कर रही थी, और ये नागपुर सेशन में पहली बार कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी बनाई थी इसके लिए। गया सेशन हुआ था जहाँ पे एक पार्टी फॉर्म हुई थी गया सेशन के बाद ही, जिसका नाम है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। और ये जो है गया सेशन, इसको किसने प्रिसाइड किया था, तो ये थे चित्तरंजन दास। और जो स्वराज पार्टी है वो बनी थी विद द हेल्प ऑफ फाउंडर थे उसके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों। तो गया सेशन बिहार के लिए, बिहार के बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर इन वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओनली वन, ठीक है, 1924 में। कहाँ पे ये हुआ था, तो ये बेलगाम में हुआ था। बेलगाम जो है ये पड़ता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बनता है। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम। तो ये लखनऊ सेशन में बोला था इन्होंने, ठीक है, बोला था कि सोशलिज्म जो है की है, इसी से इंडिया की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हरिपुरा सेशन, ये 1938 में हुआ था, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको किसने प्रिसाइड किया था, तो ये प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को फाइनली जीते थे, लेकिन टॉप लीडर का, टॉप नॉच का उनको सपोर्ट नहीं मिला और फाइनली उनको खुद ही रिजाइन करना पड़ा। हरिपुरा सेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज जे बी कृपलानी, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था ये। तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज जे बी कृपलानी। ऑन विच ओकेजन वॉज द जनगण मन फर्स्ट सॉन्ग, पहली बार कब गाया गया जनगण मन, तो ये गाया गया था 1911 के सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1911 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाई बाल गंगाधर तिलक वॉज, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाई बाल गंगाधर तिलक वॉज अमृतसर सेशन 1919, ठीक है। लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अटेंड किया था इसे बाल गंगाधर तिलक ने, और ये अमृतसर सेशन था 1919 का। उसके बाद बीच में तो इनका डिमाइस ही हो गया था, मर गए थे बेचारे। अब आता है मॉडरेट्स एंड द एरा ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, मॉडरेट्स एंड द अर्ली एरा ऑफ नेशनलिस्ट। पहला सवाल है कि द मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स हेल्ड फ्रॉम, तो ये अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे मॉडरेट लीडर, जो इंटेलेक्चुअल टाइप के थे, जर्नलिस्ट टाइप के लोग थे, तो ये सब अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, रूरल एरिया से कम ही थे। द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, तो ये क्या करते थे,
इनका एम होता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आप इंडिया की प्रॉब्लम बताओ, बिल को पास ना होने दो, है ना, और वहाँ पे मतलब हंगामा खड़ा करो। तो ये इनका मेथड था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। इनको उम्मीद थी कि हम ऐसे बोलते रहेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, हमारे हाथ में सत्ता सौंप देगी, ठीक है, ये इनका मेथड था। फ्रॉम 1906 ऑनवर्ड हु कंटिन्यूसली इम्फेसिस्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया, तो ये दादा भाई नरोजी का कथन था। इन्होंने जो सेशन हुआ था 1906 में, उसमें भी बोला था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है, स्वराज की बात की थी इन्होंने। सो ही वॉज द पर्सनैलिटी हु कंटिन्यूसली इम्फेसाइज ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया। विच फेज ऑफ कांग्रेस डिड गोपाल कृष्ण गोखले बिलोंग टू, तो ये मॉडरेट लीडर थे, मॉडरेट फेज से बिलोंग करते हैं, ये सक्सेसर माने जाते हैं फिरोज शाह मेहता के। फिरोज शाह मेहता का जब एरा ख़त्म होता है, उनका एक गोल्डन एरा था, तो उसके बाद एंट्री होती है गोपाल कृष्ण गोखले की, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी पूरा अचंभित कर दिया पूरी सदन को जब वो डिबेट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट जो होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव, उसमें जब वो डिबेट करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की ही थी। ही वॉज द पर्सनैलिटी हु इस्टेब्लिश्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, हु इज नोन एज द बॉम्बे ट्रिम वायरेट। बॉम्बे ट्रिम वायरेट मतलब तीन लोगों को मिला के, तो इसमें तो एक फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, उसमें फिर आता है केटी तेलांग का नाम आता है, ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी, तीनों को मिला के इनको बोला जाता है बॉम्बे ट्रियम वायरेट। अकॉर्डिंग टू अर्ली नेशनलिस्ट विच वेयर थ्री कंटेम्प्रोरी फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो एक तो ट्रेड के जरिए ब्रिटेन क्या करती थी, ट्रेड से एक्सप्लॉयट करती थी, जिसमें मतलब यूनिलेटरल उसका कंट्रोल था। वो बोलती थी कि हमारा जो माल आएगा ब्रिटेन से इंडिया में, जो माल आएगा ट्रेड के तहत, उस पर ड्यूटी फ्री होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो इंडिया से माल जाता था उस पर ह्यूज टैरिफ लगाते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये ट्रेड से एक तो एक्सप्लॉइट करते थे, एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्री के द्वारा भी होता था। इंडस्ट्री वही लगाई जाती थी जो कि ब्रिटिशर्स को हेल्प करे, ना कि इंडियन को हेल्प करे, वही सब लगाया जाता था। फाइनेंस पूरा पैसा जो है वो ब्रिटेन अपना लगाती थी इंडिया में, ठीक है, मतलब इंडियन फाइनेंस को दबा के रखती थी, इंडियन फाइनेंस को कभी ग्रो नहीं होने देती थी। हमारे जो उद्यमी थे उनको मौका नहीं मिलता था कि कैपिटल को इन्वेस्ट करें यहाँ पे और उस कैपिटल से कुछ प्रॉफिट कमाएं इंडिया के लिए, इंडिया में फिर उसको इन्वेस्ट करें, तो ये ऐसा नहीं होता था। तो ये तीन तरीके थे, ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्री एंड फाइनेंस के थ्रू। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी का फंडा बड़ा ही सिंपल था। वो बोलते थे कि मैं जनता को जगाऊंगा, मैं जनता को बताऊंगा कि कैसे हमें लूट रहे हैं ब्रिटिशर्स, कैसे हमारा ड्रेन कर रहे हैं वेल्थ का। ये भाषा बहुत आसान है समझाना कि कैसे हमें लूट रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विच आइडिया वॉज पॉपुलराइज बाई नेशनलिस्ट इन ऑर्डर टू इरिडिकेट पॉवर्टी, तो ये था स्वदेशी। बोला कि देखो विदेशी कपड़े मत खरीदो, विदेशी चीज़ों पे मना करो, स्वदेशी अपनाओ। उस समय स्वदेशी मूवमेंट भी चला, ठीक है, तो स्वदेशी जो था एक पॉपुलराइज्ड आइडिया था, नेशनलिस्ट इसको पॉपुलराइज करते थे। विच लीडर वॉज ए स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ स्वदेशी, तो ये थे अरविंदो घोष जो कि गरम दल के नेता माने जाते थे, ठीक है, गरम दल के नेता थे। बाद में रिटायरमेंट लेके पौंडीचेरी चले गए, वहाँ पे संन्यास लेके इन्होंने वहाँ पे अरविंदो सोसाइटी का भी गठन किया था। तो खैर ये जो लीडर थे ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ स्वदेशी। नाउ विल डिस्कस द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाई एक्सट्रीमिस्ट इन विच ईयर, तो ये 1906 में डोमिनेट होने लग गया था एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। एक्सट्रीमिस्ट का मानना ये था, देखिए अंतर है, जो नरम दल के थे मॉडरेट, यानी कि वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ब्रिटेन को तंग करना और फाइनली अपने हाथ में कहीं ना कहीं कंट्रोल कहीं आ जाए ऐसा उम्मीद करते थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती थी। एक्सट्रीमिज्म में क्या था कि भैया उखाड़ फेंको, चाहे जो करना पड़े उनसे लड़ो भिड़ो और उनको उखाड़ फेंको, तो ये एक्सट्रीमिज्म था, ठीक है। तो ये 1906 में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट
में डोमिनेशन आया, जब वही बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चला, ठीक है, उस समय बोला कि अब टाइम आ गया है इनको उखाड़ फेंकने का, हर तरीके का हथकंडा अपनाना चाहिए, जबकि मॉडरेट ये नहीं चाहते थे। दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई और फाइनली 1907 में जो सूरत सेशन था वहाँ पे दोनों का स्प्लिट हो गया, ठीक है, कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, नरम दल और गरम दल में बट गई कांग्रेस। कहते हैं विच वायसराय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो ये लॉर्ड कर्जन है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, 1905 में हुआ था। अब हम देखेंगे लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो ठीक है, तो इसमें लाल बाल पाल का तो नाम आएगा ही आएगा। खैर, पहला क्वेश्चन है इन विच कॉलेज डिड अरविंदो घोष स्टडी इन इंग्लैंड, तो ये खुद एक्सट्रीमिस्ट थे इसलिए क्वेश्चन आ गया, तो ये किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे, किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे इंग्लैंड में। विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस, तो ये थे अरविंदो घोष, ठीक है, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस, तो ये थे अरविंदो घोष, शुरुआती में तो यही थे। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर वॉज सपोर्टर ऑफ स्वदेशी, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे स्वदेशी के अरविंदो घोष साहब। वॉट इज द नेम ऑफ पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाई अरविंदो घोष इन इंदू प्रकाश, तो ये न्यू लैम्प ऑफ फॉर ओल्ड करके ये एक पब्लिकेशन इंदू प्रकाश में। अरविंदो घोष वॉज एडिटर ऑफ विच न्यूज़पेपर, वंदे मातरम के एडिटर थे, ये हमने जब नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ही वॉज एडिटर ऑफ वंदे मातरम, विच वेयर द इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये इनकी एक मराठी में एक पब्लिकेशन थी, वो थी केसरी, और एक इंग्लिश में थी जो थी मराठा, महारथा बोलते हैं उसको, मराठा नहीं बोलते, महारथा। विच बिल वॉज अपोज बाई बाल गंगाधर तिलक, तो एज ऑफ कंसेंट बिल जो था 1891 में आया था, ये इसको अपोज किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट बिल। हु एलिज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रैक्टिसिंग सॉरी पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, तो ये बाल गंगाधर ने कहा था, ये बोले कि ये कुछ नहीं है, फालतू का काम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, यार हमारा हक है ये, ये बोलते थे पिटीशन डालने से कुछ नहीं होगा, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, तो ये भी तिलक ने ही कहा था, बोला कि भीख मांगते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो ये लोकमान तिलक को ही माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वेलेंटाइन चिरोल ने लिखी थी ये, ठीक है, और कही थी बाल गंगाधर तिलक को, जिसके अगेंस्ट में केस भी किया बाल गंगाधर तिलक ने। सो हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो ये कहा था वेलेंटाइन चिरोल ने। आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, हु अमंग द फॉलोइंग हैड pleaded for mercy and said my interest in Tilak is that of Sanskrit scholar, तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। Which extremist leader of freedom movement was given 6 years jail punishment in 1908, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था, केस लगा दिया गया इनके ऊपर, और इस केस में फंसा के इनको 6 साल का जेल करवा दिया गया था, जब ये महाराष्ट्र में बहुत सारा प्लेग के अगेंस्ट में मूवमेंट चला रहे थे, शिवाजी फेस्टिवल को यूज किया था इन्होंने ये करके, और इनके पास 1,00,000 रुपये का कुछ कंट्रीब्यूशन आया था, तो वो सब कैसे ना कैसे फंसा के ब्रिटिशर्स ने इनको 6 साल के लिए जेल करवा दिया था। व्हेन डिड बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज द लोकमान्य तिलक, तो ये जब द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम ऑफ रैंड मदर मर्डर, जो रैंड था जो कि एक माना जाता था कि इनफेमस व्यक्तित्व था, और उसने बहुत मिसमैनेज किया था जो प्लेग फैला था, तो उसका मर्डर हो गया था एक्चुअली, तो इसका एक्यूज लगाया गया, हालांकि चाफेकर ब्रदर्स ने मारा था उसको, जो कि बाल गंगाधर तिलक का ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, ऐसा केस लगा के इनको जेल भिजवा दिया था, इसी के बाद इनको तिलक का जो है लोकमान तिलक का टाइटल दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवेन इफिटेथ ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। गणपति फेस्टिवल को इन्होंने यूज किया था इन महाराष्ट्र, वॉज स्टार्टेड बाई तिलक, ठीक है, तो गणपति फेस्टिवल को, शिवाजी फेस्टिवल को ये एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते थे अपना नेशनलिज्म फैलाने के लिए, ठीक है, इसको स्टार्ट भी इन्होंने ही किया था गणपति फेस्टिवल को। अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी विच ऑफ द मुस्लिम डिड लिफ्ट द बियर ऑफ बायर ऑफ
बाल गंगाधर तिलक, मतलब उनका जो सौ का जो है उसको लिफ्ट किया था शौकत अली ने, महात्मा गांधी ने भी, शौकत अली ने भी, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है, पॉपुलर नाम है इनका शेर ए पंजाब। इनका डेथ हो गया था 1928 में, जब जो साइमन कमीशन का विद्रोह उसका विरोध कर रहे थे, तो लाहौर में सॉन्डर्स नाम के एक सिपाही ने इनको लाठी से मारा बहुत ज़्यादा, और इनकी छाती पे काफ़ी चोट आया था, छाती और पीठ पे, और इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया। तो ये भी लाला लाजपत राय की है, अनहैप्पी इंडिया बुक लाला लाजपत राय। वॉट वॉज द रीजन्स दैट इंडियन मुस्लिम इन जनरल वे नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी जो थी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट, तो बोलते थे मतलब उसमें हिंदुइज्म को दिखाया गया थोड़ा सा, उनको लगता था कि ये नहीं, ये हिंदू वो कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, ये हैं वो हैं, और एक्सट्रीमिज्म से जब इनको कोई सफलता मिलेगी तो ये कहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र रखेंगे और मुस्लिमों को भगा देंगे। सो हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थाट्स इन इंडिया, तो ये बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, ठीक है। लाल बाल पाल, ये तीनों मिला के बोलते, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थाट्स इन इंडिया कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल इज एसोसिएटेड विथ विच इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट, तो ये स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित थे, स्वदेशी मूवमेंट से। टू हुम डिड श्री अरबिंदो रेफर टू एज माइटीएस्ट प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, तो ये श्री अरबिंदो ने बोला था, बिपिन चंद्र पाल को बोला था कि ही इज़ द माइटीएस्ट प्रोफेट्स ऑफ नेशनलिज्म। हु वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसकी फाउंडर थी एनी बसांट। अब देख लेते हैं कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज्म में, क्या एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में क्या जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वो देख लेते हैं। तो मॉडरेट्स चाहते थे, दे बिलीव्ड इन द लिबरल एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स, यानी कि वो चाहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड के द्वारा हम सफलता प्राप्त करें। वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, दे फॉर्मली बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड नो इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल इन माइंड, तो इसे हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। मॉडरेट्स वॉन्टेड टू ग्रेटर ऑटोनोमी एंड सेल्फ रूल, ये चाहते थे कि ब्रिटेन रहे, ब्रिटेन के अंडर ही हम लोग सेल्फ रूल करें, ठीक है, ब्रिटेन हमारा मास्टर है बट हम अपना सेल्फ रूल करें, वाइल स्टिल अंडर द नॉमिनल रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब नाम उसका चले बट सेल्फ रूल हमारा रहे। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि नहीं, ये कम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, कम्प्लीट इंडिपेंडेंस मतलब कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन को पूरा उखाड़ फेंकना है। मॉडरेट्स लिमिटेड देयर स्ट्रगल टू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट ऑफन यूज्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफन ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़, जैसे कि विद्रोह कर देना, नॉन कोऑपरेशन टाइप का मूवमेंट भी चला, काफ़ी दंगे हुए। मॉडरेट्स डिमांड्स वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सो वॉज देयर एजिटेशन एंड देयर मेथड वेयर रिकार्डेड एज अ पैसिव रेजिस्टेंस, वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट का जो था दे वर रेडिकल इन टर्म्स एंड देयर अप्रोच एंड बिलीव्ड इन द मिलिटेंट मेथड, मिलिटेंट तरीके से। सो मॉडरेट एम्ड एट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वेयर एज अगर बात करें हम एक्सट्रीमिस्ट की, तो दे एम्ड ऑफ गेटिंग कम्प्लीट स्वराज। मॉडरेट वांटेड मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहते थे कि ठीक है जनता मतलब को रूल करना है तो हमें सेल्फ रूल दे दो, इसमें हमारे मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, ब्रिटेन के कम होने चाहिए। वेयर एज जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वांटेड टू एंड द टायरनी ऑफ रूल ऑफ ब्रिटेन, और वो चाहते थे कि इंडिया अपना खुद का रूल बनाए, ठीक है, इनकी टायरनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो हु वॉज द आइडियोलॉजिकल गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो ये थे स्वामी रामकृष्ण, और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का फॉर्म किया था स्वामी विवेकानंद। विच सोशल मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई दयानंद सरस्वती, तो ये था आर्य समाज। नाउ विल मूव टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्ट।